इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक तय करने संबंधी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि इस परीक्षा को कराने के बारे में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश का पालन किया जाए और सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार ही मेरिट बनाकर परिणाम घोषित किया जाए। सरकार की ओर से 7 जनवरी के शासनादेश का बचाव करते हुए कहा गया कि गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ये भी तर्क दिया गया कि पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, इसलिए भी कट ऑफ अंक बढ़ाना पड़ा। जबकि याचिकाओं की ओर से जवाब में कहा गया कि वो शिक्षा मित्र हैं और उन्हें सर्वोच्च कोर्ट द्वारा आगामी 2 परीक्षाओं में 25 अंकों का वेटेज दिए जाने का निर्देश दिया गया था। साल 2018 की सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा में कट ऑफ अंक 45% और 40% तय किया गया था, जिसमें वो हिस्सा ले चुके हैं। इस बार उनके लिए सहायक शिक्षा पद पर भर्ती होने का आखिरी मौका है, लिहाजा इसका कट ऑफ अंक पिछली परीक्षा के अनुसार ही होना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासनादेश को निरस्त करने के साथ ही 1 दिसंबर 2018 के शासनादेश, 5 दिसंबर 2018 के विज्ञापन के शर्तों के तहत और 2018 की परीक्षा के अनुसार 3 महीने में परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।